यार शवाल भाई आपके लिए सवाल आए हैं सोशल मीडिया पर। हाँ तो सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल आए आप वीडियो कर लेते हैं और जवाब नहीं देते कमेंट्स के। ये देखें यार, बताओ तो सही, वीडियो क्या है, क्या चीज़? आज तक हमने ये वीडियो नहीं किया कि जो हमारे क्लाइंट्स, कस्टमर्स और आपके व्यूअर्स जो आपकी वीडियोस देखते हैं तो वो कमेंट्स करते हैं, तो अब आपने आज की वीडियो में उनके कमेंट्स के जवाब देने हैं। तो बस सेटअप रेडी करते हैं और शुरू करते हैं। अच्छा सेटअप होगा, मतलब शुरू, सेटअप रेडी करते हैं, लाइट्स लगाते हैं और शुरू करते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाह। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इतमाद इंटरनेशनल और शवाल हमारे साथ मौजूद है। शवाल, ये वैसे गलत बात है कि आप अपने व्यूअर्स को रिप्लाई नहीं करते, लेकिन आज पहला सवाल ब्लू वर्ल्ड सिटी के एक कस्टमर का है कि सीरीन विला तैयार है साल से, लेकिन अभी तक एक भी फैमिली नहीं आई, खैरियत है? यार सीरीन विलास ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले ना, ब्लू वर्ल्ड सिटी के सीरीन विलास, और कहीं है भी नहीं वैसे सीरीन के नाम से। खैर ये है कि सबसे पहले तो ये बात कि जो लोग वहाँ पे नहीं आते, वो वजह ये है कि यार एक सोसाइटी होती है, उसको इसके लिए टाइम चाहिए होता है कि वहाँ पे प्रॉपरली जो है ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हों जो लोगों की नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके। हमने अपनी वीडियोज़ में कवर किया है, हमने देखा है कि वहाँ पे अभी एक माशाल्लाह से मार्ट भी खुला है, ठीक है, वहाँ पे कारवान सराय में हमने जो है मिल्क शेक भी पिया था, खुद मैं और ज़ुबैर भाई गए थे वहाँ पे, मतलब हर चीज़ है, आप वहाँ पे सकें। लेकिन लोग इन चीज़ों को तो देखते ही हैं सबसे पहले, ये तो इस लिहाज से तो अब रिहाइश वहाँ पे जल्द से जल्द शुरू हो भी जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात ये है ना कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को इसके लिए कि वो थोड़ा सा अपने जनरेट करें, थोड़ा मार्केट चले, उसके बाद अब मैं मिसाल दूंगा आपको DHA और बैरिया की, उन जैसे सोसाइटीज़ की यार, कि उनको 15-15 साल लग जाते हैं प्रॉपरली रिहाइश इख्तियार करने से, 20 साल बहरिया को तो लगे ही लगे। हाँ अब ये है कि उसमें क्या होता है कि बंदा सोसाइटी में जाता है, ठीक है, सोसाइटी में पहले वहाँ पे बंदा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो इंतज़ार करता है कि कब यहाँ पे प्रॉपरली ऐसी डेवलपमेंट हो कि मैं रिहाइश के लायक इस जगह को समझूँ। अभी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अब आपके एक वीडियो पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के साइट विजिट पे एक बहुत ही नफीस इंसान ने कमेंट किया है, नफीस मैंने इसलिए कहा है कि बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, नाम नफीस है, नाम नफीस नहीं है, नाम @user_FJ9 पता नहीं आगे क्या, ये तो बहुत ही नफीस नाम, बहुत नफीस नाम है। लेकिन उन्होंने सवाल बड़ा उम्दा अंदाज में किया है कि भाई, अच्छा, आपने ओ बोला, मुझे लगा ओ खा, अच्छा उन्होंने उम्दा अंदाज में सवाल अच्छा। किया कि भाई अगर माइंड ना करे तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी को NOC मिली? सुनते जाए जिस सवाल उस पर फिर उन्होंने जवाब भी लिखा है, ठीक है। क्या ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी नहीं है? फिर तीसरा सवाल, क्या ये सोसाइटी इस्लामाबाद से 70 किलोमीटर दूर नहीं है? ठीक है। फिर चौथा सवाल, क्या ऐसी सोसाइटी में लोग रिहाइश अख्तियार करना पसंद करेंगे कि नहीं? फिर उसका जवाब भी लिखा है, या आप पूरा एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं इसमें। बहरहाल सीरीन विलास जो साल हुआ है मुकम्मल हुए, लेकिन अभी तक आबाद क्यों नहीं हुआ? ये तो आपने जवाब दे दिया है। अच्छा, अर्तुगरुल के साथ सोसाइटी ने जो किया वो फ्रॉड नहीं है? अच्छा, ये सारे सवाल आते हैं, अब इसके जवाब से, इन सब के जवाब हैं हाँ और नहीं रिस्पेक्टिवली। उसकी वजह ये कि देखें, इसने अगर पहला सवाल किया है ना कि NOC है या नहीं है, तो ये सोसाइटी मुकम्मल तौर पे ऑथेंटिक है। कई दफ़ा हम वीडियोज़ के अंदर कह चुके हैं कि ये कयास आ रही है, इनसे आप दूर रहें। अगर देखें, सबसे पहली बात तो ये, हम अगर ओपनली अपना नाम ले के अपने फेसेस दिखा के एक बड़ा सेटअप रख के, माशाल्लाह से इनका जो एतमाद इंटरनेशनल का सेटअप है, इन्होंने अगर ये लाया है, हम अगर आके इनके लिए वीडियोस कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े नाम जुड़े हुए हैं एतमाद इंटरनेशनल के साथ, तो वो क्यों ऐसी सोसाइटी के साथ डील करेगा जो कि ऑथेंटिक ना हो? सबसे पहली बात तो ये, मेरा ख्याल है इसमें कोई चार जवाब तो मिल ही गए हैं। अर्तुगरुल का जहाँ तक सवाल है, अर्तुगरुल एक इंटरनेशनल एक्टर है और वो एंडोर्स करता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, वो बहुत सारे, अब क्या कमेंट पढ़ लिया आपने जो हंस रहे हैं, लेकिन वो बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एंडोर्स करता है, उनमें से एक ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है, और अर्तुगरुल के साथ फ्रॉड नहीं हुआ। अर्तुगरुल जो क्या नाम है उसका, एंजिनल्तान नाम उसका, तो ये फ्रॉड नहीं हुआ, ये सब झूठ था, फजूल है। और ये जो
फ्रॉड उन्होंने किया था, वो जो टिकटॉकर थे जो वो ज्वेलरी पहनते थे उन्होंने उनको बुलाया था और उनको वो पैसे नहीं दिए जो exactly. जैसे हमारी कोई कजन है मतलब पूरा रिमशा हुसैन कह रही है कि क्या मुझे शुएब अख्तर के बाजू में घर मिल सकता है। अब उनके बाजू में अगर उनके बाजू में घर चाहिए तो वो तो घर जब बनाएंगे तो उसकी बुनियादें खड़ी नहीं होंगी, घर फिसल जाएगा बाजू में। वो बहुत मजबूत इंसान है। अच्छा आसाप की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर उनके बाजू में चाहिए तो ये तो फिर रिमशा हुसैन मेरे ख्याल इंडिया से है। बाजू का लफ्ज तो हम नहीं इस्तेमाल कर। खैर अगर अच्छा बाजू लिखा तो अब मिल सकता है। शुएब अख्तर इनक्लेव है, ठीक है। बहुत बड़ा ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो बनने जा रहा है, उसमें विलाज है। शुएब अख्तर का अपना विला भी है। अब इनसे कहें उनके बाजू वाला विला खरीद। ये फिर कैसे मिल सकता है? ये एतमाद नंबर चल रहा है, प्राप्ता कर लें। किधर चल रहा नीचे देखें, एडिटर को कहेंगे नंबर चला लें। ठीक है। अच्छा एक सवाल आया सर, 50 लाख घर इमरान खान बना गया, इतने घर क्या? चेयरमैन पीटीआई, सॉरी इसको कट कर दीजिएगा सर। नहीं वो पीप आ जाएगा उस पे। सर 50 लाख घर चेयरमैन पीटीआई बना गए, इतने घर क्या करने हैं हम पाकिस्तानी लोगों ने, प्लीज बताइए। यार 50 लाख घर जो है वो अच्छा थर किसी को चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर 50 लाख घर अगर वो वादा पूरा हुआ है और उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, किंगडम वैली ने भी नया पाकिस्तान से कोलैबोरेट किया है, तो अगर उन्होंने बनाए हैं तो लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया है। और अगर जिन लोगों को नहीं मिले उनमें हमारा कोई कसूर नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट एसोसिएटेड विद वन ऑफ दोज 50 लाख हाउसेज, तो हम उसको डायरेक्ट एंडोर्स नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन हम ये है कि जो सोसाइटी है जो उसके साथ लिंक्ड है, उस सोसाइटी के अंदर आपको ज़रूरत है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में ज़रूरत है, किसी और सोसाइटी में ज़रूरत है, तो वी आर अवेलेबल। अच्छा एक कमेंट आया है, काका खेल खान नाम है इनका। अच्छा नहीं मैं नाम पे नहीं हंस रहा, मुझे एक बात याद आ गई। जी बताएं। ठीक है वैसे आप बात डिस्कस कर सकते हैं। नहीं मैं करता हूँ। फुली कैंडिडेट है बेचारे। अच्छा काका खेल खान कहते हैं कि पिशावर में रहने की जगह ही नहीं है। नहीं है, सही बात है, पिशावर में रहने की जगह। वो कह रहे हैं कि रहने की जगह ही नहीं है। आपकी खटक सिटी की वीडियो में उन्होंने ये कमेंट किया कि पिशावर में रहने की जगह ही नहीं। तो सही कह रहे हैं ना, पिशावर में रहने की जगह नहीं है, तभी तो खटक सिटी की जरूरत पड़ी है। खटक सिटी पिशावर के एक्सटेंशन के अंदर मौजूद है। इसकी थोड़ी सी वजाहत करें कि हमारे बहुत से क्लाइंट्स को ये नहीं पता, इस चीज़ की एक आगाही नहीं है कि खटक सिटी विद इन द प्रीमिसेस ऑफ पिशावर है। हाँ। एंड वो कौन कौन सी सहूलियात फराहम कर रहे हैं और आखिरकार लोग क्यों खटक सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? एग्जैक्टली, ये पब्बी एक इलाका है जो कि आप स्ट्रेट अप अगर आप सदर से जाते हैं, अगर आप हयात आबाद से बिल्कुल स्ट्रेट एक रोड पकड़े सीधा पब्बी आ जाता है। तो ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। ये एक पेशावर की एक्सटेंशन कंसिडर होती है और पेशावर को एक्सटेंशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि पेशावर के बारे में वो लोग बहुत सारे कहते हैं जो इनमें से एक साहब ने कहा कि पेशावर में जगह नहीं है। मैं खुद भी पेशावर के रिहायशी हूँ ऐसी। हाँ तो इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि बनाया जाए इस तरह के एक्सटेंशन के अंदर, अच्छी सोसाइटीज़ बनाई जाए और खटक सिटी इज़ वन ऑफ दैम। अच्छा एक कमेंट है, मैं उस वक्त से आपके लिए कमेंट्स देख रहा हूँ और बहुत मज़ेदार कमेंट्स हैं। ये जुबैर अहसन साहब के लिए कमेंट है। अच्छा। आप बहुत खूबसूरत हैं, हर खूबसूरत घर के बाहर आप नजर आते हैं। अच्छा इन्होंने घरों को और जुबैर भाई दोनों को खूबसूरत कह दिया है। उन्होंने कहा हर खूबसूरत घर के बाहर आप नजर आते हैं। आप नजर आते हैं क्योंकि वो उनके बनाए हुए हैं ना, मतलब उन्होंने ही उन प्रोजेक्ट्स को किया है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके, ग्रैंड विलास के जो कि पैसल हिल्स में है। ये जो जुबैर भाई है ना, ये अपने आप वीडियोज में जो बोलते हैं कि मैं हूँ आपका होस्ट और मैं बस वीडियो कर रहा हूँ, ये सब झूठ है। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो, ठीक है। Okay. वो चला रहे हैं। अच्छा हाँ मुझे एक और बात याद आ गई। क्या? ओके मतलब मुझे भी तो पता है। मुझे एक और बात याद आ गई है, ये आप लोग अभी क्लिप आपके सामने आएगा जिसमें जुबैर साहब जो है ना वीगो डाले से निकलते हैं और ग्रैंड विलास की जब ओपनिंग हो रही होती है। ये वीगो डाला था, ये वाइट गाड़ी, ये वीगो डाला था, वीगो डाला था ये जी। तो वो आप वहां से अंदाजा लगा लें कि जुबैर कहाँ डाला वीगो डाला। अच्छा
तो आपने ज़ुबैर साहब को देखा, हर खूबसूरत घर के बाहर नज़र आते हैं, ये कमेंट आया है। अब वो खूबसूरत घर के बाहर भी नज़र आते हैं, अंदर भी जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि ग्रैंड विलास में वो क्यों जाते हैं और वो क्यों ग्रैंड विलास के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, अच्छा ये किसी खातून ने किया है? हाँ, इसीलिए तो खातून की लगी है और नाम आगे एट द रेट करके फिर कुछ है। अच्छा, इसमें ज़ुबैर भाई तो सबसे पहले इस चीज़ को ओन करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये वीडियो वगैरह वो ऐसी, और दूसरा ये कि ग्रैंड विलाज ऐसे प्रोजेक्ट है जिन पे लोगों ने बड़ा भरोसा किया। बड़ी मज़े की बात है, लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है इस पे। ज़ुबैर भाई जब वीडियो करते हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं अब किसी और कोई और वीडियो नहीं करूँगा, मैं ग्रैंड विलाज पे ही करूँगा, क्योंकि उनको रिस्पॉन्स ही इतना अच्छा आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि इस चीज़ में लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि लोगों को यार एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, डिलीवर हो रहा है। तो ये चीज़ है। बाकी ग्रैंड विलास के बारे में अगर जानना है तो ये आई बैनर वगैरह में वो डाल देना, सोशल मीडिया वाली टीम डाल देगी। अच्छा, 60 से 70 लाख रुपए में घर मिल सकता है? एक ही भी सवाल आया है, लेकिन ये ज़ुबैर साहब की वीडियो में आया है, ये आप देख सकते हैं वीडियो। मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, लेकिन आपको किसी लोकेशन में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे 60 से 70 लाख रुपए एक बंदे का बजट है, तो उसमें वो क्या एक अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मैक्सिमम 4 मरला का ऑप्शन उनको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो उसको जाना चाहते हैं एक ऐसी चीज़ में कि वो घर कंसिडर करना चाहते हैं, आजकल जो है हाई राइज का बहुत बड़ा दौर है, ठीक है। अब हाई राइज एक ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया शिफ्ट हो रही है, खासकर इस्लामाबाद में बहुत बड़ा रुझान है, तो घर से ज़्यादा रिकमेंडेड है एक खूबसूरत सा अपार्टमेंट, ठीक है। तो ये बजट एक अच्छे अपार्टमेंट के लिए आ सकता है, 2-bed अपार्टमेंट। हम अपार्टमेंट पे ज़रूर आएंगे, लेकिन चलिए वीडियो ज़ुबैर साहब की आप देख सकते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है भाई? वजू के लिए भी इंतज़ाम किया करें अलग से। ये आप देख सकते हैं कि ज़ुबैर साहब की वीडियो में लोग पूछ रहे हैं भाई वजू के लिए भी इंतज़ाम किया करें अलग से। नहीं तो मतलब ये विला के अंदर? ये विला के अंदर, ये फैसल हिल्स का विला है। हाँ, और उसमें जो है एक कमेंट आया कि वजू के लिए अलग से इंतज़ाम किया करें, तो हमारे पास वजू की सहूलत मौजूद है। जज़ाक। अच्छा, एक और कमेंट आया है, आमना आम ना खाओ, पता नहीं ये अमाजिली, पता नहीं क्या नाम है, चेंज योर कैमरामैन, घर नहीं आपकी कवरेज कर रहे हैं, वेरी फनी। एक और कमेंट है जी मोहसिन साहब का, ओ मामा बंदे के ऊपर से कैमरा हटाकर वो चीज दिखा जो दिखाना चाह रहे हो। यार बस भी करो, कमरे से निकल जाएगा बेचारा, क्या हो गया है, इतनी अच्छी वीडियोस बनाता है हमारी यार, खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड है। इनमें से एक कैमरामैन है जो कि कैमरा वर्क भी करते हैं, फिर जाके ऑफिस में उसको एडिट भी करते हैं, बड़ी मेहनत का काम है। इस तरह आप लोग तो रैंडमली बोल लेते हैं, बहुत मेहनत का काम है, आप लोग कभी करके देखिए। ये सवाल आया ना, गुजर चुके हैं हम इस पे, अपार्टमेंट या प्लॉट फैसल हिल्स में, इसका जवाब दे। दोनों फायदेमंद है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आजकल जो इन्फ्लेशन चल रही है, आप अगर प्लॉट बनाते हैं आपका जो मटेरियल है वो इतना एक्सपेंसिव हो चुका है कि अगर आप एक प्लॉट लेते हैं उस पर घर बनाते हैं, एफर्ट आपकी अलग लगती है, सरिया आपका कहाँ तक पहुँच चुका है, सीमेंट आपका कहाँ तक पहुँच चुका है, तो अगर हाई क्वालिटी चीज़ चाहिए आप बनाए एक वो ले लें, और बने बनाए में भी आपको ऊपर से प्रॉफिट मिले तो क्या चाहिए, रिकमेंडेड यही है। वैसे दोनों ले सकते हैं। और अगर फैसल हिल्स की हम बात कर रहे थे, इससे पहला जो सवाल था कि 60 से 70 लाख में स्काईलाइट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट 109 और स्काईलाइट 63, उसके हवाले से आप बताएं। जिस तरह मैंने अपार्टमेंट का बताया, आप स्काईलाइट 109 आपने देखा है, हमने भी दिखाया भी है ऑडियंस को, जिसके अंदर ऑफिस जो है फुली ऑपरेशनल हो चुका है स्काईलाइट 109 में, और ऑफिस जो है वो ओवरसीज क्लाइंट का है, वो दुबई से है, और उनका जो ऑफिस है वो मुकम्मल तौर पे तकरीबन तैयार हो चुका है, फ्लोरिंग का काम भी हो चुका है, बस उस पर टाइलिंग रहती है, बाकी सब कुछ हो चुका है। फर्नीचर उनको फर्निश्ड चाहिए था, फर्नीचर का काम उसके अंदर अब होगा, तो बड़ा खूबसूरती से उसको बनाया गया है। तो ये एक सवाल है, सॉरी, तो स्काईलाइट 63 जो है वो उसका स्काईलाइट 63 फ्यूचर है, स्काईलाइट 109 आपको हम दिखा रहे हैं, स्काईलाइट 63। अच्छा, एक खास बात ये भी है कि जो एतमाद इंटरनेशनल और स्काईलाइट बिल्डर्स हैं, उन्होंने ये वादा किया था
कि हम आपको 3-3.5 साल में इसकी डिलीवरी देंगे, लेकिन विद इन एन ईयर ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है, और जब ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है तो 70% काम आपका मुकम्मल हो जाता है, फिनिशिंग उसकी आपकी हो जाती है, 70 नहीं तो 50% तो हो ही जाता है, क्योंकि उसकी फिनिशिंग रहती है। अब ये है कि 50% जो बाकी रह गया है वो इंशाल्लाह आप अगर साल में ये हो गया तो साल से नीचे नीचे के अरसे के अंदर इंशाल्लाह वो हो जाएगा। स्काईलाइट बिल्डर्स एतमाद हमेशा ऐसे ही करते हैं जब प्रोजेक्ट कलेक्टिवली बनाते हैं। स्काईलाइट 63 की आप प्रोग्रेस देख सकते हैं। अच्छा ये बात है। वैसे गुल खान ने कमेंट किया है, यारा ये खटक सिटी में जो लड़का है वो बहुत खूबसूरत है, आपकी वीडियो फिनिश खत्म, ऊपर मेरी वीडियो है। प्लीज बड़ा डैड यार, ये गुलखान है कोई? गुलखान है और प्रॉपर नाम है गुलखान, ये देख ले। बाप का भी तो नाम फूल गुल फूल को ही कहते हैं। मैंने आज तक खटक सिटी की वीडियो नहीं की, ठीक है। नहीं इनको इनको कह रहा हूँ, इनका भी तो नाम गुल है, फूल। उन्होंने ये कहा है कि खूबसूरत यारा ये खटक सिटी में जो लड़का है वो बहुत खूबसूरत है, होगा कोई आपकी वीडियो है इसका मैं क्या। बहरहाल ये सवाल, कौन सी लोकेशन इस वक्त प्राइम तरीन है इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट के लिए? बहुत सारी हैं, अभी तो आप अफोर्डेबिलिटी को भी देखना है, आपने एक्सेस को भी देखना है, हर चीज को देखना है। तो अगर आप एक सोसाइटी जिसके अंदर आपको सहूलियात भी मिलें, हर चीज़ मिलें, तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी मेरी नज़र में है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है मेरी नज़र में, और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखना होता है कि भाई सहूलियात भी मिले, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी जगह हो जाए। किंगडम वैली भी है हमारे पास, तो ये है कि इसमें भी आप कर सकते हैं। पैसिल हिल्स भी नियरेस्ट टू इस्लामाबाद है, तो उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ऐसे कमेंट्स पढ़ के जो है खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। एतमाद का काम वाकई में एतमाद का है, साफ सुथरा। हाँ देखिए ना माशाल्लाह, ये इस तरह के कमेंट यार, तो फनी फनी पढ़ो, ये तो आते ही रहते हैं यार, मतलब कि वो तो है ही, कुछ कमेंट्स पढ़ने लायक नहीं है वो तो है। वीडियो फिर यूट्यूब पे तो सेंसर नहीं होती, लेकिन हाँ ये भी, लेकिन माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। नाम क्या है इनका जिन्होंने बोला है? अब मैंने वो आगे नहीं, हाँ कोई बात नहीं, बस बस बहुत शुक्रिया। बस यही बात है कि भाई हम सॉरी ऑथेंटिक सोसाइटीज़ को डील करते हैं, तो हमेशा से ही अच्छा रिस्पांस आता है, ठीक है। बाकी मज़ेदार कमेंट्स हैं, बट थोड़े से अगली में कर लेना, अगली वीडियोस में कर लेंगे बस। ये आई गेस 15 से 16 मिनट की वीडियो चली जाएगी। हाँ हाँ, तो आई गेस आइंदा आपको मजीद तंग करेंगे। वैसे जुबैर साहब बेस्ट ऑफ लक और वजू का इंतजाम करें घर में, लाजमी कीजिएगा घर में। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ने के मन चाय पी लें ठंडी हो। हाँ यार।